Good morning and assalamu alaikum my dear class 3 how are you all i hope you all are fine enjoying good health and learning at home i'm your social studies teacher and i hope you all are enjoying our online video lectures and you're also doing your home task and if you remember in our previous video lecture we've done the reading of rights and responsibilities in which we discussed about your rights and responsibilities what is meant by rights and what is meant by responsibilities things you have uh, you are expected to do are your responsibilities and rights things you are entitled टू और डिज़र्व राइट्स में वो चीज़ें आ जाती हैं जो आपका हक हाँ है जो आप डिज़र्व करते हैं जो आपको मिलनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपकी ड्यूटीज़ आ जाती हैं हर वो काम जो करना आप पे फ़र्ज़ है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है Like children have the right to be heard, children have the right to proper medical care, children have the right to be loved and respected, children have the right to special care for special needs, and responsibility to listen to other people, and responsibility to take care of themselves, and the responsibility to show love and respect to others, and responsibility to be honest. एंड टू टू बी द बेस्ट दे कैन बी राइट्स में आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपको केयर मिले प्यार मिले आपकी बात सुनी जाए आपका हर आपको हर वो चीज़ मिले जो आपकी नीड है और आपकी प्रॉपर केयर की जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी आपके पास डिफरेंट तरह की आपकी रिस्पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि आप भी दूसरे लोगों को सुने आप दूसरे लोगों की केयर करें उनको रिस्पेक्ट दें बड़ों की रिस्पेक्ट करें अपने छोटों से प्यार करें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना काम वक्त पर करें और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखें क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स और हमने डिफरेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने लेसन में भी पढ़े थे यू आर रिस्पॉन्सिबल इफ़ यू डू योर वर्क करेक्टली ऑन टाइम ट्राई योर बेस्ट टू डू योर वर्क डू नॉट ब्लेम अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स ट्राई नॉट टू हर्ट अदर्स टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन Always check that everyone has been treated fairly. And the rights we discussed. Every child is born free and has certain basic rights. These rights are known as children's rights. Every child has the right to live in the world, have a safe home to live in, have proper clothes for summer and winter, have enough food to live, grow, and be healthy. <coughs> चिल्ड्रेन मस्ट ईट हेल्दी फूड और हमने ये भी आप, मैंने आपको ये कहा था कि आप लोगों ने हेल्दी फ़ूड खाना है आपने दूध पीना है एग्स खाने हैं इसके अलावा हर वो चीज़ खाएँ जिससे आपकी बॉडी ग्रो करें और आप स्ट्रॉन्ग रहें जंक फूड आप कभी कभार खा सकते हैं हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बीट वीट इट इक्वली इन स्कूल एट होम एंड बाई अदर पीपल प्ले द गेम्स एंड स्पोर्ट्स दैट दे एन्जॉय और पढ़ाई के साथ साथ आपके लिए स्पोर्ट्स एंड गेम्स भी बहुत ज़रूरी हैं बी ट्रीटेड विद लव एंड केयर एवरी वन एट स्कूल होम एंड इन दियर सराउंडिंग्स स्पीक फ्रीली एंड से वट टू फील एंड टू बी लिसन टू एन एजुकेशन इन ऑर्डर टू लिव अ गुड लाइफ इन फ्यूचर आपको पता है कि आपके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है तो आपके माँ बाप आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेजते हैं ताकि आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले सकें नाउ मेट ई स्टूडेंट्स टू डे वो है गोइंग टू डू इट्स बुकलेट वर्क बुकलेट वर्क में हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं मार्क टिकॉन करेक्ट ऑप्शन है इसके शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है सो फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर वन वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक ब्लैंक है उसके बाद ऑफ आर बिलोंगिंग्स तो आपने ब्लैंक में क्या लिखना है हमें अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा केयर ख्याल रखना चाहिए हमें टेक केयर सी ए आर ई केयर नंबर टू एवरी चाइल्ड इज बोर्न फिर ब्लैंक है हमारे पास एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न फ्री तो यहाँ क्या आएगा एफ आर डबल ई फ्री चिल्ड्रन मस्ट ईट ब्लैंक एंड देन फूड हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए तो इस ब्लैंक में क्या आएगा हेल्दी एच ई ए एल टी एच वाई हेल्दी नंबर फोर एवरी चाइल्ड हैज़ ट्राइड टू स्पीक फिर ब्लैंक है हमारे पास फ्रीली F R W -E L Y freely. number नंबर we are responsible to do our work blank ब्लैंक on time टाइम हमें अपना काम सही से करना चाहिए ना तो यहाँ पे क्या आएगा correctly C O W आर ई सी टी एफ वाई करेक्टली देन नंबर सिक्स वी एन जो आर ब्लैंक बट वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जिम्मेदारियाँ हैं तो हमारे कुछ हक भी हैं हमारे राइट्स भी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं तो इस ब्लैंक में क्या आएगा राइट्स आर आई टी एस टी एस राइट्स देन क्वेश्चन नंबर टू इज मार्क टेक ऑन करेक्ट ऑप्शन नंबर वन एवरी पर्सन हैज राइट टू हैव क्लीन ड्रिंकिंग क्या आना चाहिए यहाँ पे येस ऑन ऑप्शन ए यू आर गोइंग टू टिक वाटर नंबर टू वी आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप आर सराउंडिंग्स डर्टी क्लीन अनक्लीन इनकोरेक्ट हमें अपनी जगह इर्द गिर्द की जहाँ पे भी हम जाएँ स्कूल में हो घर में हो पार्क्स में जाएँ क्या रखना चाहिए उनको साफ़ रखना चाहिए क्लीन रखना चाहिए सो यू आर गोइंग टू मार्क द ऑन ऑप्शन बी नंबर थ्री चिल्ड्रेन मस्ट ईट फूड अनक्लीन क्लिन एंड फिट हेल्दी जंक फूड आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए ना तब आप देखें कि आप किस ऑप्शन पे टिक करेंगे यस ऑन ऑप्शन सी नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थ्री फिल इन द मिसिंग लेटर्स अब ये जो भी वर्ड बनेगा उसको आपने देखना है कि कौन सा लेटर इसमें से मिसिंग है और आपने उसको फिल कर देना है जैसे कि फर्स्ट में हमारे पास राइट right बन रहा है तो आप आई लिखेंगे टू में हमारे पास क्लीन बन रहा है तो आप एल राइट right करेंगे थ्री में करेक्टली बन रहा है तो टी मिसिंग है तो आप टी लिखेंगे एच फोर uh, में हमारे पास यू मिसिंग है हर्ट बनेगा वर्ड तो आप लिखेंगे यू देन हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहा है ये वर्ड तो हमने बार बार पढ़ा है तो यहाँ पर ई मिसिंग है सो यू आर गोइंग टू राइट ईन इन द ब्लैंक नाउ नंबर सिक्स बिलोंगिंग्स तो यहाँ पे क्या मिसिंग है ई e मिसिंग है सो यू आर गोइंग टू राइट ई ओके माई डियर स्टूडेंट्स आफ्टर राइटिंग इट यू हैव टू लर्न योर वर्क योर बुक लेट वर्क वो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टिल देन टेक केयर ऑफ यल्व अल्लाह हाफिज़